थर्ड का nth ऑर्डर डिफरेंस का क्वेश्चन नंबर 3 है। सो दैट द डेल की पावर n साइन ए एक्स प्लस बी बराबर टू साइन ए एच बाई टू की पावर n साइन ए एक्स प्लस बी इंटू एन ए एच प्लस पाई बाई टू। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब्जेक्टिव के लिए और ऑब्जेक्टिव के लिए। ऑब्जेक्टिव इससे कई सारे बन जाएंगे इस वाले फार्मूले से, ये लिखा हुआ। तो ये क्या है, nth ऑर्डर है। हमने साइन ए एक्स प्लस बी का आपका फर्स्ट ऑर्डर पे डेरिवेशन किया था और मैंने बताया था कि जब हम इसका nth ऑर्डर पढ़ाएंगे तो वहाँ पर भी हम फुल इसकी एनालिसिस करेंगे, जो भी इसके केस बनेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड इस पे निकालेंगे। सिर्फ ये वाला फार्मूला याद रखना होगा, यहाँ से किसी का भी डिफरेंस निकाल सकते हैं, फर्स्ट डिफरेंस सेकेंड डिफरेंस थर्ड डिफरेंस फोर्थ डिफरेंस इस वाले फार्मूले में रखना होगा। तो इसे प्रूव करने के लिए इसकी हम LHS ले लेते हैं। तो इसकी LHS साइड है डेल की पावर n साइन ए एक्स प्लस वी। तो यह nth ऑर्डर है, तो हम इसका सबसे पहले फर्स्ट डिफरेंस निकालेंगे, फॉरवर्ड डिफरेंस फिर सेकेंड, और उनके बेसिस पे इसका nth ऑर्डर लिखेंगे जो हमें ये शो करना है राइट हैंड साइड पे। तो डेल साइन ए एक्स प्लस वी बराबर, तो इसमें ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं, डेल एफ एक्स बराबर एफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स। तो साइन ए एक्स प्लस एच प्लस का बी माइनस का साइन ए एक्स प्लस का वी, एक मल्टीप्लाई कर देते साइन ए एक्स प्लस का ए एच प्लस का वी माइनस का साइन ए एक्स प्लस का वी। तो डेल साइन ए एक्स प्लस का वी, तो इसको मान लेते थीटा वन, इसको मान लेते थीटा टू। तो यहाँ साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा टू का फार्मूला लगा देते हैं। तो लेट थीटा वन बराबर मान लिया हमने ए एक्स प्लस ए एच प्लस वी और थीटा टू बराबर ए एक्स प्लस वी। तो सबसे पहले फार्मूला लिख देते हैं। तो फार्मूला साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा टू बराबर टू साइन थीटा वन माइनस थीटा टू बाई टू कॉस थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू। तो इस पर अप्लाई करेंगे फर्स्ट डिफरेंस पे यहाँ पे, तो इसको लिख देते हैं थीटा फॉर्म में साइन ए एक्स प्लस वी बराबर साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा टू। तो अप्लाई कर देते हैं ये वाला फार्मूला, टू साइन थीटा वन माइनस थीटा टू बाई टू कॉस थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू। थीटा वन और थीटा टू की वैल्यू इसमें रख देते हैं फार्मूले में। तो डेल साइन ए एक्स प्लस बी बराबर टू साइन थीटा वन है हमारे पास ए एक्स प्लस ए एच प्लस बी माइनस का ए एक्स माइनस का बी वाई टू कॉस थीटा है वन है हमारे पास ए एक्स प्लस का ए एच प्लस का बी प्लस का ए एक्स प्लस का बी वाई टू बराबर। तो डेल साइन ए एक्स प्लस वी, तो टू साइन देखिए इससे ये कट जाएगा, तो यह बचेगा ए एच वाई टू कॉस ये हो जाएगा टू ए एक्स प्लस का टू बी प्लस का ए एच वाई टू। तो ये आएगा डेल साइन ए एक्स प्लस का बी बराबर टू साइन
एच प्लस का ए एच वाई टू कॉस ये जाएगा ए एक्स प्लस का बी प्लस का ए एच वाई टू। तो इसको बता देते हैं साइन में, क्योंकि हमें क्या चाहिए, जो क्वेश्चन में प्रूफ करना था वो साइन ए एक्स प्लस बी प्लस एन ए एच वाई ए एच प्लस पाई वाई टू प्रूफ करना था। तो हम इसको साइन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो डेल साइन ए एक्स प्लस बी बराबर टू साइन ए एच वाई टू और साइन पाई वाई टू प्लस ए एक्स प्लस बी प्लस ए एच वाई, सॉरी यहाँ पे ओनली इसको काट देते। तो डेल साइन ए एक्स प्लस बी बराबर टू साइन ए एच वाई टू कॉस जो यहाँ आ जाएगा साइन पाई वाई टू प्लस ए एक्स प्लस बी प्लस ए एच वाई टू। इस पाई वाई टू को इसके साथ लेके जाते हैं तो डेल साइन ए एक्स प्लस बी बराबर टू साइन ए एच वाई टू साइन ए एक्स प्लस बी प्लस ए एच प्लस पाई वाई टू, और यहाँ क्या लिख लेते हैं इंटू वन करके, इस तरीके से इसको लिख लेते हैं। अब सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस निकालेंगे। तो डेल स्क्वायर साइन ए एक्स प्लस बी बराबर इसको इस तरीके से लिखते हैं डेल डेल साइन ए एक्स प्लस वी। तो डेल साइन ए एक्स प्लस की वी की वैल्यू ये है तो वो हम यहाँ रख देंगे। तो डेल स्क्वायर साइन ए एक्स प्लस वी बराबर तो डेल टू साइन ए एच वाई टू साइन ए एक्स प्लस वी प्लस वन इंटू ए एच प्लस पाई वाई टू। तो टू साइन ए एच वाई टू क्या हुआ हमारा 12 आ जाएगा, क्योंकि ये इसमें कोई एक्स का फंक्शन नहीं है तो ये कांस्टेंट है। टू साइन ए एच वाई टू तो डेल साइन ए एक्स प्लस बी प्लस ए एच प्लस पाई वाई टू। अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। डेल स्क्वायर साइन यहाँ लिख देते ए एक्स प्लस वी। इसको मान लेते वन और इसको मान लेते सेकेंड इक्वेशन, तो इसकी वैल्यू निकाल देते। तो डेल साइन ए एक्स प्लस बी प्लस ए एच प्लस पाई वाई टू, तो साइन ए एक्स प्लस एच ए एच कर देते डायरेक्टली प्लस बी प्लस ए एच प्लस पाई वाई टू माइनस का साइन ए एक्स प्लस बी प्लस ए एच प्लस पाई वाई टू। तो ये थीटा वन मान लेते, ये थीटा टू, इतना थीटा वन और इतना थीटा टू। तो लेट थीटा वन बराबर तो ये जाएगा ए एक्स प्लस ए एच प्लस बी प्लस ए
एच प्लस पाई वाई टू, और थीटा टू बराबर हो गया ए एक्स प्लस बी प्लस ए एच प्लस पाई वाई टू। तो इसमें फार्मूला रखते साइन, तो ये जाएगा डेल साइन ए एक्स प्लस बी प्लस ए एच प्लस पाई वाई टू बराबर साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा टू। तो आ जाएगा डेल साइन ए एक्स प्लस बी प्लस ए एच प्लस पाई वाई टू, तो आएगा टू साइन थीटा वन माइनस थीटा टू बाई टू कॉस थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू। तो यहाँ वैल्यू रख देते हैं, तो टू साइन थीटा वन ये है ए एक्स प्लस ए एच प्लस बी प्लस ए एच प्लस पाई वाई टू माइनस का ए एक्स माइनस का बी माइनस का ए एच प्लस का पाई वाई टू अपॉन का टू और इनटू का कॉस ए एक्स प्लस का ए एच प्लस का बी प्लस का ए एच प्लस का पाई वाई टू प्लस का ए एक्स प्लस का बी प्लस का ए एच प्लस का पाई वाई टू का और ये टू। तो डेल साइन ए एक्स प्लस बी प्लस ए एच प्लस पाई वाई टू। देखिए इसमें जो है ए कट जाएगा ए एक्स एक्स और बी से बी जाएगा और ये पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा, जो ओनली बचेगा ए एच वाई टू बचेगा यहाँ पे यहाँ पे। तो इसका लिख लेते हैं राइटली, तो डेल साइन ए एक्स प्लस बी प्लस ए एच प्लस पाई वाई टू बराबर टू साइन ए एच वाई टू इंटू कॉस ये जाएगा टू ए एक्स प्लस टू बी प्लस का ए एच और देखिए ये क्या जाएगा सिंपली ए एच प्लस का पाई अपॉन टू। इसको लिख लेंगे टू साइन ए एच वाई टू कॉस ए एक्स प्लस का बी प्लस का ए एच प्लस का पाई वाई टू। तो इसको कॉस को साइन में कन्वर्ट कर देंगे तो बराबर टू साइन ए एच वाई टू साइन पाई वाई टू प्लस का ए एक्स प्लस का बी प्लस का ए एच प्लस का पाई वाई टू। ये जाएगा डेल साइन ए एक्स प्लस का बी प्लस का ए एच प्लस का पाई वाई टू और ये आ जाएगा डेल साइन ए एक्स प्लस का बी प्लस का ए एच प्लस का पाई वाई टू। तो मैंने लिखा टू साइन ए एच वाई टू साइन पाई वाई टू प्लस ए एक्स प्लस बी प्लस ए एच प्लस पाई वाई टू। तो ये आ जाएगा तो डेल साइन ए एक्स प्लस बी प्लस ए एच प्लस पाई वाई टू बराबर टू साइन ए एच वाई टू और ये साइन ए एक्स प्लस बी प्लस ए एच प्लस पाई वाई टू प्लस पाई वाई टू टू साइन ए एच वाई टू साइन ए एक्स प्लस बी प्लस का ए एच प्लस का
फाइव। तो डेल साइन ए एक्स प्लस का बी प्लस का ए एच प्लस का पाई बाई टू। देखिए हमें फार्मूला बनाने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, दो का गुणा करेंगे और दो का भाग करेंगे। तो डेल साइन ए एक्स प्लस बी प्लस ए एच प्लस पाई बाई टू बराबर टू साइन ए एच वाई टू साइन ए एक्स प्लस बी प्लस का टू इंटू ए एच प्लस का पाई बाई टू। तो इसकी वैल्यू हम समीकरण सेकंड में रख देते हैं। तो समीकरण सेकंड ये था, तो इसकी वैल्यू उठा के हमने ये रख दी, टू साइन ए एच वाई टू साइन ए एक्स प्लस टू इंटू ए एच प्लस पाई बाई टू, क्योंकि हमने क्या किया यहाँ पे दो का गुणा किया और दो का भाग किया फार्मूला बनाने के लिए। तो ये आ गया टू साइन ए एच बाई टू का होल स्क्वायर इंटू साइन ए एक्स प्लस बी प्लस टू इंटू ए एच प्लस पाई बाई टू। तो हम इसका फर्स्ट डिफरेंस भी लिख लेते हैं और उसके बेसिस पे इसका nth ऑर्डर डिफरेंस फार्मूला ड्राइव करते हैं। तो देखिए डेल साइन ए एक्स प्लस बी ये आया था, टू साइन ए एच वाई टू साइन ए एक्स प्लस बी प्लस का वन इंटू ए एच प्लस का पाई वाई टू ये आया था। और इसका जो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस आया था डेल स्क्वायर साइन ए एक्स प्लस बी बराबर टू साइन ए एच वाई टू का होल स्क्वायर साइन ए एक्स प्लस बी प्लस टू ए एच प्लस पाई बाई टू। तो डेल की पावर एन साइन ए एक्स प्लस बी बराबर, तो देखिए जब फर्स्ट डिफरेंस लिया जा रहा तो क्या आ रहा है, टू साइन ए एच वाई टू इंटू ए एक्स प्लस बी प्लस वन हमने गुणा कर दिया था, यहाँ इस तरीके से लिख लिया था और ये आ रहा था हमारा टर्म। जब हमने इसका क्या डेल स्क्वायर निकाला फंक्शन का, तो ये आ जाएगा टू साइन ए एच वाई टू का होल स्क्वायर, इस पर होल स्क्वायर आ रहा। देखिए यहाँ क्या आ गया, एक्चुअली में आ ये रहा था ए एच प्लस पाई, और जो हमें प्रूफ करना था ए एच प्लस पाई बाई टू इंटू एन प्रूफ करना था। देखिए तो हमने इसको इस तरीके लिख लिया, दो का गुणा किया दो का भाग किया। तो जब हम सेकंड डिफरेंस कर दे तो साइन में क्या हो रहा, दो आ रहा यहाँ पे और दो जा रहा यहाँ पे, मतलब दो का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ क्या हो रहा स्क्वायर होगा। तो ये जनरल टर्म इसका जो लिख लिया जाएगा टू साइन ए एच वाई टू की पावर एन ब्रैकेट और ये साइन ए एक्स प्लस बी प्लस एन ए एच प्लस पाई बाई टू। तो इसको पुनः लिख देते हैं, डेल की पावर एन साइन ए एक्स प्लस बी बराबर टू साइन ए एच वाई टू की पावर एन साइन और ये ए एक्स प्लस का बी प्लस का एन और ए एच प्लस का पाई वाई टू। तो हमें ये वाला फार्मूला याद रखना जिससे ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो जाएंगे। तो हमारा क्या आ गया एल एच एस बराबर आर एच एस आ गया, ये प्रूफ हो गया। तो ये इम्पोर्टेंट है, अगर हमने इसको याद रख लिया तो ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये हमने फार्मूला लिख लिया जो प्रूफ किया है। तो हम यहाँ पे केस डिस्कस करते हैं, केस लेते हैं इफ़ एन बराबर वन और ए बराबर वन और बी बराबर जीरो। तो देखते हैं हमारा जो फार्मूला कन्वर्ट, और एच बराबर के लेते हैं
वन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा डेल की पावर वन, वैल्यू रख देते हैं साइन एक्स बराबर टू साइन ए है वन, तो ये एच वन वाई टू वन साइन ए, तो ए प्लस का जीरो प्लस का वन इंटू वन प्लस का पाई बाई टू, तो ये आ जाएगा टू साइन वन बाई टू साइन ए बराबर वन लिया तो वन प्लस का वन प्लस का पाई बाई टू और ये वन बाई टू। तो डेल साइन एक्स बराबर टू साइन वन बाई टू साइन पाई बाई टू प्लस थ्री बाई टू, तो ये आ जाएगा टू साइन वन बाई टू और कॉस थ्री बाई टू। आंसर के रूप में केस टू लेते हैं, इफ एन बराबर टू और बी बराबर जीरो, तो इस समीकरण में रख देते हैं, तो ये आ जाएगा डेल की पावर टू साइन ए एक्स बराबर टू साइन ए एच वाई टू और इसका स्क्वायर साइन ए एक्स प्लस जीरो प्लस याद रख देते हैं टू इंटू ए एच प्लस पाई बाई टू, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा दो से दो, तो ये जाएगा फोर साइन ए एच वाई टू और इसका स्क्वायर तो साइन ए एक्स प्लस ए एच प्लस पाई, तो ये जाएगा डेल स्क्वायर साइन ए एक्स, तो डेल स्क्वायर साइन ए एक्स बराबर, देखिए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 प्लस थीटा क्या होता है माइनस का साइन थीटा होता है, तो माइनस का फोर साइन स्क्वायर ए एच वाई टू साइन ए एक्स प्लस का ए एच, ये आ जाएगा। तो इसमें एच की वैल्यू और ए की वैल्यू लेके कुछ भी मान निकाल सकते हैं, ये डायरेक्टली अगर हम ए बराबर वन और एच बराबर पाई बाई टू ले लें, तो ए बराबर वन टेकिंग और एच बराबर पाई बाई टू, तो ये आ जाएगा हमारा, तो डेल स्क्वायर साइन एक्स बराबर माइनस का फोर साइन स्क्वायर ए इंटू पाई बाई टू इंटू वन बाई टू और इसकी वैल्यू कितनी वन और साइन एक्स प्लस पाई बाई टू, तो ये आ जाएगा माइनस का फोर साइन स्क्वायर पाई बाई फोर इंटू का कॉस एक्स, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है कॉस थीटा क्या होता है, तो ये हमने लिख दिया इधर साइड में, साइन 90 प्लस थीटा बराबर होता है कॉस ऑफ थीटा, ये कॉस एक्स आ गया, तो डेल स्क्वायर साइन एक्स बराबर माइनस का फोर ए अपॉन अंडर रूट टू का स्क्वायर इंटू का कॉस एक्स, तो माइनस का टू कॉस एक्स आंसर आ जाएगा। तो देखिए फार्मूले से कितनी जल्दी आंसर
आ गया। ये केस बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हमें साइन ए एक्स प्लस बी का थर्ड डिफरेंस निकालना है तो हम क्या रख देंगे, एन बराबर थ्री पुट कर देंगे इस वाले फार्मूले में। तो ये वाला फार्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिससे हम साइन एक्स साइन टू एक्स डेल स्क्वायर साइन टू एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, किसी की भी वैल्यू नहीं निकाल सकते इस वाले फार्मूले से साइन फंक्शन की ओनली। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।